बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमाद अज़हर, मिनिस्टर एनर्जी, एम्बेसडर नॉन रोंग और स्टेट ग्रिड के शिनबाओ प्रेसिडेंट, मैं आज इस ओकेजन पे सबको मुबारक देना चाहता हूँ जिन्होंने 2018 से अब तक तेज़ी से ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। हमें पता है कि ये 2013 से शुरू था प्रोजेक्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई काम तेज़ी से नहीं हो रहा था और इस दौरान में पिछले 3 साल में बड़ी तेज़ी से काम हुआ और ये जो आज हमने इसकी इनॉग्रेशन की है, ट्रांसमिशन लाइन की 880 किलोमीटर और मटियारी से लाहौर तक, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इस सबसे मॉडर्न कह लें स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% हैं। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। 1% लाइन लॉस का मतलब कितने अरब रुपया, कई, यानी 1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। तो ये जब जितनी लॉसेस बढ़ती जाती हैं तो उसका नुकसान अवाम को भरना पड़ता है महंगी बिजली से। तो ये जो हम बचाएंगे इससे, बिजली की लॉस बचाएंगे, तो ये इंशाल्लाह ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि अपना बड़ी जल्दी जो अपना कॉस्ट है इसका वो पूरा कर देगा। मुझे दूसरी खुशी ये है कि ये सीपैक का जो बेल्ट एंड रोड का जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का उसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड का, वो है सीपैक। और सीपैक के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए, लेकिन माशाल्लाह ये फिर से हमारी तेज़ी से हमारे सीपैक के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो JCC की मीटिंग हुई जिसमें अभी एम्बेसडर नॉन रोंग ने बताया कि इसके अलावा पहले तो सिर्फ था जनरेशन, फिर सड़क थी, फिर अब ये ट्रांसमिशन है और इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बड़ी पुरानी हो चुकी हैं जिसमें लाइन लॉसेस भी ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे नॉर्थ में जो पेस्को के इतने लाइन लॉसेस हैं कि हमें, हमारे पास बिजली होते हुए हम बिजली नहीं पहुंचा सकते लोगों तक क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स पुरानी हो चुकी हैं और इससे बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को कि लोग एक तरफ कहते हैं जी आपके पास बिजली है लेकिन बिजली पहुँची क्यों नहीं, लोड शेडिंग क्यों है। लोड शेडिंग इसलिए है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की ताकि, और हमारे होते हुए भी बिजली हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आप स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट किस्म की ट्रांसमिशन लाइन्स, और आपको सामने नज़र आ गया कि कहाँ 17% लाइन लॉसेज और कहाँ 4% पे आ गई। तो इंशाल्लाह ये हम इसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी भी ट्रांसमिशन लाइन्स पे। लेकिन सीपैक का शुरू हुआ था सड़क और पावर जनरेशन से, अब ट्रांसमिशन पे पहुंच गया और अब जो अगला हमारा रास्ता है वो है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मुल्क में वो दौलत नहीं आ सकती जिससे हम, जो हमने कर्ज़े चढ़ाए हुए अपने ऊपर, वो कर्ज़े वापस कर सकें। वो जब तक वेल्थ क्रिएशन होगी, दौलत में इजाफा होगा ही, तो हम कर्ज़े वापस करेंगे। जिस तरह एक घर है, घर जब मकरूज हो जाता है तो घर अपने कर्ज़े कैसे उतारता है, पहले आमदनी अपनी बढ़ाता है, आमदनी बढ़ती है तो वो कर्ज़े वापस करता है। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से और फिर एग्रीकल्चर जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ ला के उससे अपनी इंशाल्लाह दौलत में इजाफा करेंगे और उससे फिर हम अपने कर्ज़ों का जो बोझ है वो नीचा करेंगे। तो ये जो सीपैक है इसका, इसकी जो रफ्तार है वो इंशाल्लाह तेज़ होगी। बीच में हमें मसले आए और जिस तरह मैंने कहा कि कोरोना की वजह से बड़े मसले आए क्योंकि सारी कम्युनिकेशन रुक गई, एक बात ट्रैवल बैन्स हो गए हैं, आप जा नहीं सकते, उसके बड़े, यानी अल्लाह ने हमें काफ़ी इम्तिहानों में डाला जिसमें जब हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई, दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं।
तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन अफेक्ट हुई, सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। तो ये आर्जी तौर पे है, इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और फैलती जा रही है और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, और हमें उम्मीद है, हम कह नहीं सकते कि चार तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा, आएंगे तो सही लेकिन अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो कम होगा, तो उससे इंशाल्लाह सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज़ हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। तो मैं फिर से आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबको, स्टेट ग्रिड को भी, अपनी जो हमारे लोगों ने काम किया उसको भी, सबको मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया।